नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीस। ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है जहाँ पर कई हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें पूछा कि एक ऐसा वीडियो सीरीज बनाइए समर स्किन केयर को एक्सप्लेन करते हुए, जो प्राइमरीली फोकस करे कि सन बर्न या स्किन टैनिंग, डार्कनिंग से किस तरह से बचा जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे सनस्क्रीन के बारे में कि कौन से अलग अलग तरह के सनस्क्रीन होते हैं, सनस्क्रीन का क्या महत्व है, किस तरह से वो काम करते हैं, SPF क्या है या कौन सा SPF आपके स्किन के लिए सूट करता है, कौन से प्रकार के सनस्क्रीन्स आपके स्किन के लिए सूट करते हैं। तो इस टॉपिक की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सभी को पता है कि विटामिन डी जो हमें सन से मिलता है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सन, इसके कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि सनबर्न, स्किन टैनिंग, डार्कनिंग, रिंकल, लूज स्किन, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, स्किन कैंसर तक के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑल्दो स्किन कैंसर ये इंडिया में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, पर फिर भी स्किन कैंसर तक के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूवी रेस जो सन से आते हैं, ये बिलोंग करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, जहाँ पर यूवी रेस, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस और कई और प्रकार के रेस होते हैं। यूवी रेस तीन प्रकार के होते हैं, यूवी ए, बी और सी। यूवी सी ऐसे सन रेज है जो कि अर्थ के यानी पृथ्वी के एटमोसफियर में ही ब्लॉक होते हैं, ये हमारे स्किन तक नहीं पहुँचते, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। यूवी ए रेज ऐसे लॉन्ग रेज होते हैं जो हमारी डर्मिस लेयर जो है, हमारी स्किन की जो डीप लेयर है, हमने एनाटॉमी में ये समझा है कि एपिडर्मिस, डर्मिस एंड द सबक्यूटेनस। तो यूवी ए रेज जो है, ये डायरेक्टली हमारे डर्मिस लेयर तक पहुंचकर कई नुकसान इसके कारण होते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर एजिंग, लूज स्किन, रिंकल्स, सनस्पॉट एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, यूवी बी सन रेज जो है, ये हमारे स्किन के ऊपर वाले हिस्से, सुपरफिशियल लेयर, एपिडर्मिस जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक पहुँचकर कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि सनबर्न, टैनिंग, डार्कनिंग, पिगमेंटेशन एक्सेट्रा। एक सिंपल ट्रिक से आप इसे समझ सकते हो। यूवी ए, ए यानी एजिंग, सो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स, लूज स्किन एक्सेट्रा। यूवी बी यानी बर्निंग, सो सनबर्न, टैनिंग, डार्कनिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हो यूवी ए और उसके नुकसान, यूवी बी और उसके नुकसान। तो बेसिकली एक सनस्क्रीन अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी फॉर्म में, एक जेल, क्रीम, लोशन, स्प्रे या फोम, किसी भी फॉर्म में अगर आप यूज़ करते हो, तो आप इन सारे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से आपके स्किन को बचा सकते हो। तो सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन हमें अल्ट्रावायलेट ए सन रेस से बचाता है, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हो क्रिकेटर्स का, जो कि एक थिक वाइट कलर का सनस्क्रीन लगाते हैं फेस पर, नाक पर, एक टिपिकल एग्जाम्पल है फिजिकल सनस्क्रीन का। क्या हम ऐसे तरह के सनस्क्रीन जो वाइट और थिक हो, क्या हम इसे यूज़ करके, क्या हम इसे अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। लेट अस अंडरस्टैंड। दूसरा है केमिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, इसमें कार्बन बेस्ड पार्टिकल्स होते हैं जो सन रेज को पहले तो ऑब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे नष्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में से नष्ट कर देते हैं। ये यूवी बी सनरेज से हमें बचाता है। सो एक आइडियल सनस्क्रीन ये है जो फिजिकल भी हो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हो, और एक ऐसा सनस्क्रीन जो कि स्मूथ हो और ट्रांसपेरेंट हो, जिसे कि हम अप्लाई कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं और हमें सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो ऐसे कई सनस्क्रीन्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, पर आपको ये चुनना है, आपको ये जानना है कि यस, ऐसे सनस्क्रीन में यूवी ए प्रोटेक्टर्स भी है और यूवी बी प्रोटेक्टर्स भी है, तो ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो इसे मुझे चूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है SPF, यानी SPF को कैसे चुने हमें। SPF यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर्स, कई सारे मिसकंसेप्शन है। सो कैसे चुने एक सही SPF आपके स्किन टाइप के लिए। लेट अस अंडरस्टैंड, SPF 15 जो है वो आपको 93% प्रोटेक्शन देता है यूवी बी सन रेज से। SPF 30 जो है वो आपको अराउंड 97% प्रोटेक्शन देता है यूवी बी सन रेज से। SPF 50 आपको 98% यानी 1% ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है यूवी बी सन रेज से, और SPF 70 भी आपको 98% ही प्रोटेक्शन देता है यूवी बी सन रेज से। सो ये बात सही है कि जितना ज़्यादा SPF उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें मिलता है, ये बात सही है, पर
क्यों हमें SPF 50 या SPF 50 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके दो रीजंस आज हम आपको बताने वाले हैं। दो रीजंस, पहला है कि SPF 50 या SPF 50 से ज़्यादा ये जो सनस्क्रीन्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, सो कॉस्ट इज़ वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगेन सही बात है, जितना ज़्यादा SPF उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन, पर जितना ज़्यादा SPF उतना ही ज़्यादा हमारी स्किन थिक, ऑयली और वाइट लगेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक स्मूथ और ट्रांसपेरेंट स्किन चाहिए, जो कि यू नो हम अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं, कंफर्टेबली हम जा सकते हैं। तो इसके लिए एक आइडियल सनस्क्रीन है SPF 30, दैट्स ऑल। SPF 30 एक आइडियल सनस्क्रीन है, एटलीस्ट SPF 15 तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए, वेदर यू आर इन योर होम, क्लासरूम, कार, एनीवेयर, SPF 15 इज द मिनिमल रिक्वायरमेंट। सो पहला था सनस्क्रीन के प्रकार, दूसरा SPF, और तीसरा कि आपको सनस्क्रीन आपके स्किन के टाइप के हिसाब से अप्लाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली सनस्क्रीन है तो आपको ऐसा सनस्क्रीन चुनना है जिसमें कि सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट और डीप पैंथेनॉल ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो। दूसरा है कि अगर ड्राई स्किन हुए तो ऐसा सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है जिनमें कि सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट्स और यू नो बेसिकली विटामिन ई प्रेजेंट हो, विटामिन ई जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन दे, हाइड्रेट करे। और तीसरा है कि सेंसिटिव स्किन जिनकी है तो ऐसे सनस्क्रीन आपको यूज़ करना है जिनमें सनफ्लावर एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा प्रेजेंट हो। तो इस तरह से यू नो स्किन टाइप को देख के सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घर से बाहर निकलने से पहले 10 मिनट पहले आप एक सनस्क्रीन अप्लाई करें, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आपको ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नो कई लोग हमें कहते हैं कि मैं हमेशा कार में रहता हूँ या घर में रहता हूँ तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। सो लेट मी टेल यू, मिरर जो है आपका मिरर, इससे यूवी बी सन रेज जो है यूवी बी, इससे तो प्रोटेक्शन मिल जाता है, यूवी बी रेज हम तक नहीं पहुंचते बिकॉज ऑफ द मिरर, पर यूवी ए रेज जो है वो हमारे स्किन तक पहुंचते ही है थ्रू द मिरर। सो इसीलिए सनस्क्रीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप घर पे हो, आप आपकी गाड़ी में हो, क्लासरूम में हो, कहीं भी हो, सनस्क्रीन इज इंपॉर्टेंट। तो ये था आज का वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम कई सारे मिसकंसेप्शंस, कई सारे स्किन केयर रूटीन्स, रेजिम्स, हेयर केयर, वेट लॉस, आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्किन की पूरी जानकारी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल जोवीस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो से आपको बेनिफिट मिलता है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें आगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।